कैसे हो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम बैरियोथ के कुछ हंट मैंने किए थे और तुमने देखा होगा कि बैरियोथ के कुछ नए आर्मर यहाँ पर अनलॉक मैंने किए थे, फोर्ज आर्मर बैरियोथ, राइट। लेकिन बैरियोथ का आर्मर में, बैरियोथ के आर्मर में कुछ ऐसे ज़्यादा स्किल्स नहीं थे जो मुझे अच्छे लगे। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं चेंज करना चाहूँगा अपना चेस्ट आर्मर। और यहाँ पर रोज़ ए में, रोज़ अल्फा में देख सकते हो यार, मेरे को अटैक बूस्ट 3 मिल रहा है, लेकिन उसको क्राफ्ट करने के लिए चाहिए मुझे एक मॉन्स्टर स्लॉग बोन। और मॉन्स्टर स्लॉग बोन मेरे को सिर्फ बैरियोथ को मारने पर ही मिलता है। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, बैरियोथ के एक और हंट पे निकल लूँगा। ऑप्शनल और स्पेशल अरीना बैरियोथ में जाकर देखूँगा, देखते क्या होता है। और इस बार बैरियोथ को मारने के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेट स्वॉर्ड। अब कहने की बात है कि मेरे पास जो ग्रेट स्वॉर्ड है वो इतना ताकतवर है नहीं जितना ताकतवर मेरा लॉन्ग स्वॉर्ड है, लेकिन इसमें ब्लास्ट एलिमेंट है कह सकते हो। और ब्लास्ट एलिमेंट यूजुअली थोड़े टाइम बाद जब स्टैकअप होता है तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट डैमेज देता है, तो उसी का यूज़ करना चाहूँगा मैं। और क्योंकि बैरियोथ बहुत ज़्यादा फास्ट है तो स्लो अटैक्स लेकिन हैवी अटैक्स उस पर ज़्यादा असर करेंगे जितना मुझे लगता है। तो यार मील कर लिया अपन ने, चल लेते हैं बैरियोथ की तरफ। बैरियोथ का साइज यूजुअली बहुत बड़ा रहता है लेकिन अरीना के अंदर उसको, अरीना के अंदर उससे लड़ना मुझे लगता है बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि इतने बड़े देख ही सकते हो कितना बड़ा है ये, और बहुत ज्यादा एजाइल भी है बैरियोथ। वॉल बैंक की कोशिश, नाइस। एक और बार टेंडराइज, बढ़िया डैमेज, डॉज, चार स्लैश, एक और मिल सकता है, नहीं शायद नहीं, या फिर मिल जाएगा, मिल जाएगा, बस हो गया। बॉडी ऑफ फ्लिंट शॉट, और शायद एक पार्ट ब्रेक मिल चुका है मुझे, दूसरे पार्ट ब्रेक के लिए जाना है। गलत जगह पर मैं अटक गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि ईविड एक्सटेंडर 3 था मेरे पास, आई मीन ईविड विंडो 3 था, तो बहुत मुश्किल से बचा मैं। बढ़िया, एक और बार डॉज रोल, पूंछ पे कुछ अच्छे डैमेजेस मिल रहे हैं मुझे। डॉज, अच्छा हुआ डैमेज नहीं गया वहां पे, बस थोड़ा स्टन पड़ गया। कोशिश करूंगा इसको जंपिंग अटैक, बढ़िया सवारी मिल चुकी है। अभी कोशिश करूंगा कि पूंछ को मैं तोड़ दूं। देख सकते हो यार कितना ज्यादा एग्रेसिव है ये, कितनी ज्यादा रफ्तार है इसकी। एक दो तीन, नाइस,
एक चार्ज स्लैश मिलना चाहिए मेरे को पूछ पे, बस मिल चुका है। नाइस वन। इसका दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा नहीं, टेंडराइज करूंगा। एक और बार मुझे वॉल बैंक मिल सकता है यहां पे। नाइस। तो यार पार्ट ब्रेक मिल चुका है दूसरे हाथ का भी। पर देख सकते हो जैसे ही मैंने इसके दोनों हाथ तोड़ दिए किस तरीके से ये लड़खड़ा रहा है। अभी तक एग्रो हुआ नहीं है, शायद मैं एक और वॉल बैंक दे सकता हूं, बस हल्का सा मौका मिले। वॉल बैंक मिल चुका है, नाइस। पूछ पे अभी अटैक करना है। एक चार्ज स्लैश प्लीज। नाइस, पूछ टूट चुकी है, कट चुकी है। अब इसका सर तोड़ूंगा। बढ़िया डॉज। एक और बार। थोड़ा टाइम पे ही वेट नहीं किया मैंने। कटी पूछ। बढ़िया, इसके सर को मैं करूंगा टेंडराइज। जल्दी से कर लेता हूं शार्पन। नाइस। तो यार देख सकते हो ड्रैगनेटर रेडी है, फायदा उठाऊंगा इस मौके का। नाइस। सर के पार्ट ब्रेक मिल चुके हैं मेरे को। थोड़ा जल्दी रोल कर लिया मैंने, थोड़ा वेट करके करना चाहिए था। हिल कर लेता खुद को। गलत पोजिशनिंग, सही टाइम पे रोल। और ये चार्ज अटैक, सही टाइम पे रोल फिर से। देख सकते हो यार उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि उसके दोनों हाथ काट दिए मैंने। एक और बार उसको मैं दूंगा स्टन। नाइस। और ये वाइट डैमेज आया, खैर कोई दिक्कत नहीं। नाइस। रोर के थ्रू मैंने बढ़िया डॉज। बढ़िया डैमेज। एक और बार। नाइस। वाइट डैमेज आ चुका है अभी पंखों पे। एक बार फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जरूरत है क्योंकि
हेड पे मैं वार कर सकता हूँ। बढ़िया अटैक था वो। एक बार फिर से लगी नहीं। यार ग्रेट सॉर्ड का यही है और हिट एंड रन टाइप की ही स्ट्रैटेजी रहती है ग्रेट सॉर्ड खेलने में। पोजीशनिंग गलत, डैमेज पड़ चुकी है। एक इंच से रह गया वो बस। बढ़िया डॉज रोल। तो यार मुझे लगता है वो फिर से एग्रो उसका खत्म हो चुका है, तो कुछ ना कुछ ढूंढना है मेरे को ताकि मैं उसको बॉल बैंक दे सकूं फिर से। कुछ पत्थर दिखे हैं मुझे यहां पे। बढ़िया डॉज। बहुत ही गलत टाइमिंग थी वो। नहीं, हाथ पे नहीं अटकना था। फिर से नहीं, पूंछ कट चुकी है लेकिन नवाबी नहीं घटी। अरे यार अभी मिलेगा वॉल बैंक। नाइस, जल्दी से इसके सर के पास जाना पड़ेगा। वहां पर मुझे शोल्डर टैकल देना चाहिए था। एक और बढ़िया शॉट। पूंछ को कोशिश करता फिर से टेंडराइज करने की। ये क्या हुआ? अच्छा, उसे टैकल दिया मुझे। हेड पे वार करना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है अभी, तो वही चांस है कि मैं पूंछ पे ही वार करूं। और अभी तक इसका एलिमेंट मैं खत्म नहीं कर पाया। एक टेंडराइज प्लीज। नाइस, मुझे लगा उसका हेड का डायरेक्शन अलग था, मुझे लगेगी नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं, हील कर लेता हूं खुद को। जवाबी हमला। अगर वो थोड़े पोजीशन पे आया मैं लीवर खींचूंगा, तो उसके ऊपर पत्थर गिरने चाहिए लेकिन वो पोजीशन पे आएगा नहीं। और ये थक चुका है। बैरियोथ खत्म। नाइस। तो यार ये एक और प्रॉपर हट था जिसमें शरीर के सारे हिस्से तोड़े, सारी हड्डियां तोड़ी और एंड में बैरियोथ खत्म।
तो चलो अच्छा है, दो तरह के अपने को हार्वेस्ट मिलने वाले हैं, एक बार उसकी पूंछ से और एक बार उसके शरीर से। आई गेस ग्रेट स्वॉर्ड में यह हंट थोड़ा और मजेदार हो जाता है, या फिर शायद मजेदार इसलिए लगा क्योंकि एक अरीना के अंदर था ये, क्योंकि एनवायरनमेंट में रहने से उसके जो लीप्स वगैरह है और उसके जो जंप्स वगैरह है वो बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत दूर दूर तक लगते हैं, तो बार बार भागना पड़ता है और अरीना के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, तो फाइट में और थोड़ा मज़ा आने लग जाता है। तो यार ग्रेट स्वॉर्ड भी एक बढ़िया मैचअप है बैरियोथ के अगेंस्ट अगर तुम्हारे पास ईवेड विंडो ज़्यादा हो तो, क्योंकि ईवेड करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है यहाँ पे। स्लॉग बोन मिला मेरे को? नहीं मिला, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यार दो ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, एक बार ऑप्शंस में जाकर देखते हैं और थर्ड लेवल पे देख सकते हो लेगियाना का भी एक और क्वेस्ट है, और ये वाला लेगियाना है मास्टर रैंक लेगियाना, तो इसमें कुछ ना कुछ अलग है और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है ये क्वेस्ट, लेकिन उसी में मज़ा है। तो मैं क्या करूँगा, कोरल हाईलैंड्स में जाऊँगा और टाइम है एक लेगियाना को मार गिराने का। डिज़ाइन भले ही लेगियाना का सेम हो लेकिन उसका मूव सेट एकदम ही अलग है, और कोशिश करता हूँ कि इस बार इसको कैप्चर करूँ, क्योंकि मास्टर रैंक का लेगियाना है तो उसको छोड़ना बेवकूफ़ी रहेगी। शॉक ट्रैप है, ट्रैंक बॉम्ब्स नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा अब लगता है। मुझे लगा था मेरे को मील करने का टाइम मिलेगा लेकिन बहुत गलत एरिया में छोड़ा है मेरे को। यार देख सकते हो ऑलरेडी मेरे को आइस ब्लाइट लग चुका है, इसको एक बॉल बैंक तो देना ही है मुझे। पहले खुद को हील करूंगा, इस बार का लेगियाना थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव भी है देख सकते हो। अरे स्टैमिना खत्म, स्टैमिना खत्म क्यों? गलत टाइम पे, थैंक्स बिल्ले, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, अभी इसको नीचे कूदना था। खैर जो भी है, थोड़ा वेट करते हैं इसके ऊपर आने का। नाइस, टाइमिंग मेरी हमेशा बहुत ज्यादा गलत रहती है, खास करके वॉल बैंगिंग के लिए। अभी सही टाइम है, नाइस, कोशिश करेंगे इस बार भी इसका। इस बार इसके सारे पार्ट ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। फोर साइड की टाइमिंग बहुत गलत थी। मैं खत्म, यार अभी ऐसा लग रहा है मुझे पहले से ही मील करके आना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ कम है, स्टैमिना कम है, सब कुछ कम है और ये स्पैम करने से रुक ही नहीं रहा, और इस पर मैं सवार भी नहीं हो सकता।
फिर से नहीं। तो यार लगियाना निकल चुका है, तो मैं भी चलता हूँ अपने कैंप के पास, और एटलीस्ट कैंप में एक मील करने को मिल जाएगा। और एक बार मील कर लें, हेल्थ बूस्ट है, स्टैमिना फुल है। दिख नहीं रहा लगी आना यहाँ पे। शायद ऊपर की तरफ है, उसी की तरफ चलूँगा मैं। लेकिन ऊपर की तरफ ये एक और दिक्कत है कि इस मैप में जो अरीनाज है वो बहुत छोटे छोटे होने लगते हैं। लेकिन अगर मॉन्स्टर के हैबिटेट के हिसाब से देखो तो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि कोरल हाईलैंड्स है हैबिटेट बेसिकली। और लेगियाना बेसिकली यहीं पर रहने के लिए ही बना है। तो यार देख सकते हो मास्टर एंट लेगियाना को हवा से भी नीचे नहीं गिरा सकते। हवा से नीचे नहीं गिरा सकता, लेकिन उसको तो नीचे बुला सकता हूं। जल्दी नीचे। वो पता नहीं वहां पर किससे लड़ रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूं अपना वेपन शार्पन। अभी तक वो आया क्यों नहीं? बुरी टाइमिंग। मैं लेके आना के पीछे, लेके आना मेरे पीछे। टू मच फन। फिर से नहीं। कोशिश कर रहा हूँ इसको एटलीस्ट एयरबोर्न डैमेज दे सकूं। ओके, एटलीस्ट अब नीचे गिराइए। खैर फोरसाइट। ओहो बढ़िया टाइम पे, बढ़िया टाइम पे एकदम पैरालाइज हुआ ये। एक और बार। फोरसाइट। बाहर जा रही है कहीं पर तो भी। खैर पियर्सिंग पॉड उठा लूंगा मैं, लगियाना मटेरियल भी उठा लूंगा। बोन पायल में देखता हूँ कुछ और नया मिलेगा कि नहीं। कुछ भी नहीं। अभी शायद वो बड़े अरीना में जा चुका है। अरे क्यों यार, और बड़े अरीना में जाने का भी यही फायदा है कि इतने कंजेस्टेड एरिया में लड़ना नहीं पड़ेगा मुझे। हवाई हमला लगा नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके वो मैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉट था।
उसको हवा में ही उसका पार्ट ब्रेक हुआ। ओहो थैंक्स बिल्ले। थोड़ा सा रह गया। बढ़िया, एक और बार मैं इसको हेल्म ब्रेकर दे सकता हूं। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट नहीं हुआ। बच गया मैं। उस टाइम पे मुझे फोरसाइट लगा लेना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा एयर डैमेज। नाइस नाइस, चढ़ चुका हूँ मैं इसके ऊपर। इसका एनिमेशन एंटिसिपेट करके ही पोजीशन बदल लेनी चाहिए, नहीं तो स्टैमिना ख़त्म होता है जब भी ये कोई अटैक करता है, जब या फिर कोई भी मॉन्स्टर अगर कोई अटैक करे जब मैं उसके पीस में बैठा हुआ हूँ। यार ऊपर से इसका डिज़ाइन देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई समुद्री प्राणी हो। कोई मैंटारे वगैरह की तरह इसका डिज़ाइन है, लेकिन उसी के साथ साथ ही किस तरीके से बैलेंस किया गया परिंदे के डिज़ाइन के साथ। लग जा, नहीं एक और बार। नाइस, कोई दिक्कत नहीं। शार्पनेस कम हो चुकी है, थोड़ा डिस्टेंस लूंगा मैं। जल्दी से हो गया शार्पन। नाइस, ओहो इस बार मुझे लगता है गाजाला काज ने इसको पैरालाइज किया, क्योंकि तो बहुत मजेदार बात है, यूजुअली गाजाला काज इतने हेल्पफुल होते नहीं है। चलो अच्छा है, हेल्म ब्रेकर से पहले ही इसने दहाड़ लिया, नहीं तो मेरा हेल्म ब्रेकर फेल हो जाता। नलवेरी मिल चुकी है, हेल्थ कम है मेरी, मैं देख रहा हूँ तो जाके वहीं से मैं हील कर लेता हूँ। लगातार एलिमेंटल अटैक्स किए पड़ा है ये, और मुझे नहीं लगता मास्टर रैंक लेके आना जो है हवा से ज्यादा नीचे उतरता है। फिर से मिस। नाइस, सर पे पड़ी है शॉट। सोच रहा हूँ उसके पंखों को भी टेंडराइज कर दूं। लेगियाना खाना खा रहा है अभी, इसको खाने के बीच में ही मैं परेशान करूंगा। पूंछ भी हो चुकी है टेंडराइज। दूसरे पंख को भी टेंडराइज कर दिया है मैंने। नाइस, नाइस, एक और बार रोल। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा पैरों को मैं टेंडराइज कर सकता हूं कि नहीं, शायद कर सकता हूं। नाइस,
नीचे उतर लगी आना। बहुत ही शार्पनेस भी कम हो चुकी है। दूसरा पैर भी कर चुका हूं मैं टेंडराइज, आज जम चुका हूं। खैर कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली जब भी किसी मॉन्स्टर का एलिमेंटल डैमेज रहता है, उसमें एलिमेंटल रेजिस्टेंस वाले आर्मर लाना सही आइडिया रहता है, लेकिन अभी मेरे पास उससे रिलेटेड कुछ है नहीं। थक चुका हूं यार एक एक हिट लगाते लगाते। अब तो इसको नीचे गिराना है हवा से। नाइस। ओ ट्रिपल पार्ट ब्रेक, पंखों का पार्ट ब्रेक और पता नहीं क्या क्या पार्ट ब्रेक मिला है मुझे। इस बार लगता है इंसेंटिव लाना चाहिए था। बांकड़ बिला ऊपर क्यों चढ़ रहा है मेरा कोई आइडिया नहीं है। तो अगर उसको वापस बुलाना हो तो मेन्यू में जाओ और लाइट अटैक बटन दबाओ, भांकड़ बिला वापस आ जाएगा। और लेगियाना भी निकल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपने अड्डे पर वापस जा रहा है। देख लेता हूँ मैप में एक बार। पकड़ लिया स्काउट फ्लाइज ने सेंट, तो चलते हैं उसी की तरफ। मुझे नहीं लगा था एक लेगियाना को मारने के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा एंटिसिपेशन था कि वो मोस्टली नीचे की तरफ ही रहेगा। लेकिन ये समझ आ गया कि मास्टर रैंक के लेगियाना यूजुअली हवा में ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हो इंसेक्टलेव है इसका सल्यूशन। तो एक और तरीका है इसको नीचे गिराने का, वहां पर अगर मैं मारूं तो इसको चक्कर आ जाएंगे और होपफुली हवा में ये कम जाए। ओके हेल्म ब्रेकर मिल चुका है, बढ़िया। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। टाइमिंग सही नहीं थी, स्पिरिट गेज कम हो गया इसलिए। फोरसाइट ओ कॉम्बो रह गया, नॉट बैड नॉट बैड। हेडशॉट, पैर हो चुके टेंडराइज फिर से। कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले कर लेता हूं मैं शार्पन। नाइस हेडशॉट कॉम्बो, स्पिरिट कॉम्बो भी हो चुका है कंप्लीट और ले जाना हो चुका है कमजोर। तो यार चलते हैं अभी
कैंप पे, और कैंप पे जाने से पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि पिछले कैंप में एक बार जाऊँ और एटलीस्ट एक स्लीप हर्ब, एक या दो स्लीप हर्ब तो कलेक्ट कर ही लूँ, क्योंकि यहाँ पर मिल ही जाते हैं स्लीप हर्ब वगैरह, इतना ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। और अभी मैं जाऊंगा नीचे स्लीप हर्ब की तलाश में, होपफुली एक या दो मिल जाए। यह है तो स्नो हर्ब्स है, स्लीप हर्ब्स यही दिक्कत रहती है कि अगर टाइम पे चीज़ें कलेक्ट ना करो तो रिसोर्स वगैरह कम पड़ने लग जाते हैं, और एक बार रिसोर्स कम पड़ने लगे तो अपने हंट्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाने लगता है। मिनी मैप में देखता हूँ मैं, आई मीन बड़े मैप में, कि स्लीपर वगैरह यहाँ पर है भी या नहीं, और मैप देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपर वगैरह होंगे। स्लीपर है तो मैं इसको मार्क कर लूँगा और मैप में जाऊँगा। मैप से मेरा मतलब है कैंप पे, और कैंप से सबसे पहले तो मैं ट्रैप टूल उठा लूँगा, आइटम बॉक्स, ट्रैप टूल्स, पैराश्रूम है मेरे पास, मतलब स्लीप हर्ब काम आ जाना चाहिए। तो अभी स्काउट फ्लाइज अपने को लेके जाएंगे स्लीप हर्ब तक। लेगियाना की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेगियाना सोता रहेगा, और जब तक वो सोता रहे मैं स्लीप हर्ब कलेक्ट कर लूँगा। कुछ ज़्यादा ही दूर है स्लीपर, मैंने सोचा नहीं था। कहाँ हो स्काउट फ्लाइज? हाँ बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा गया है बिना हंट के। तो यार स्लीपर मिल चुका है, ट्रैंक बॉम्ब बन चुके हैं, चलते हैं अपने कैंप में दोबारा से। वहाँ पर ओडो गैरून के भी कुछ फुटप्रिंट्स थे अगर तुम देख सकते तो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ओडो गैरून को हंट करने का टाइम है। सबसे पहले लेगियाना को कैप्चर करके यहाँ से कट लेते हैं। मुझे लगा मैंने अच्छी जंप लगाई थी। नाइस, लिटरली स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो चलो यार अच्छी बात है, लेकिन आना अभी तक जगह नहीं है, तो मैं निकाल लेता हूँ अपने ट्रैप टूल्स, दो ट्रैंक बॉम्ब और एक ट्रैप, और लेगियाना हो चुका है कैप्चर। नाइस, तो यार मास्टर रैंक लेगियाना थोड़ा मुश्किल था, देख सकते हो यार 20 मिनट लगे ऑलमोस्ट इसको कैप्चर करने में, 21 मिनट। खैर जो भी है, इसकी एक बात मेरे को बहुत अजीब लगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हवा में ही रुका, क्योंकि लो रैंक और हाई रैंक में मैक्सिमम टाइम लेगियाना नीचे ही रुकता था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते मास्टर रैंक लेगियाना के पास आपको अपने को देने के लिए क्या क्या है। देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्लॉग बोन भी मिल चुका है, लेगियाना मेंटल मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा रेयर रिसोर्स होता है ये। तो यार चल के देखते हैं स्मिथी के पास, देखता हूँ कि
अपने लिए कुछ नया रखा होगा कि नहीं इसके पास। स्मिथि, आर्मर दिखाओ यार अपने लिए। लेगियाना का आर्मर अनलॉक हो चुका है, देख सकते हो, और इसमें शैमोश शार्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हो यार, लेगियाना का जो चेस्ट पीस है उसमें ईवेड विंडो 2 है, तो इसका मतलब ईवेड विंडो 3 था अपने पास, ईवेड विंडो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और देखते हैं क्या क्या है। हैंड्स पे भी इसकी ईवेड विंडो 2 है। पहले हैंड्स में तो ईवेड विंडो 1 है। देखता हूँ मेरे पास कौन सा हैंड्स है। मेरे पास ईवेड विंडो 1 का ही हैंड है, जो है वाइपर कदाची का। लेकिन लेगियाना का अगर मैंने हाथ उठाया, जो कि है लेगियाना अल्फा, तो मेरे को ईवेड विंडो 2 और ज़्यादा मिल जाएगा। क्विक शीथ भी है इसके पास, विंड प्रूफ भी है, ईवेड एक्सटेंडर भी है। अच्छा वो बैरियोथ का था। तो यार बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि लेगियाना का चेस्ट पीस उठाऊं, लेकिन रोज चेस्ट पीस में मेरे को अटैक बूस्ट 3 मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा अभी के लिए, रोज़ अल्फा उठा लूँगा, क्योंकि उसमें अटैक बूस्ट 3 है ऑफ कोर्स। और बाद में लेगियाना का ही मैं आर्म का पीस उठाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे ईवेड विंडो, लेगियाना हार्ड क्लो और टफ क्लो। टफ क्लो पता नहीं किस मॉन्स्टर का है, जो भी है देख लेंगे। टफ क्लो मुझे लगता है शैमोस वगैरह का होगा। आइस अटैक, विंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपने पास डेकोरेशन वगैरह क्या है। तो यार देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सूट बूट में लग रहे हैं अपन। बहुत ही ऑड एंटिटी है ये एक आर्मर के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो अभी ईवेड विंडो 3 ठीक है, पार्ट ब्रेकर 2, हेल्थ बूस्ट 3 और भी बढ़िया। 4 स्टार में देखता हूँ मेरे पास कुछ है कि नहीं। कुछ खास लग नहीं रहा मेरे को। हार्ड म्याउस्टर एक है तो वो मैं लगा सकता हूँ, ताकि मेरे पैलिको का डैमेज बढ़ जाए। और भी चेक कर लेता हूँ एक बार वेपन्स को मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। देखता हूँ हेल्थ बूस्ट मेरे को सबसे ज़्यादा किस पे मिल रहा है। अगर लेवल 3 हेल्थ बूस्ट मिल गया तो क्या ही कहने। हेल्थ बूस्ट लेवल 2 है हेलमेट पे, लेकिन हेलमेट में एक्सचेंज नहीं करना चाहता। लेवल 1 है चेस्ट पीस पे। बियोटोडस का ये तो इक्विप्ड ही है, बियोटोडस बेटा हेल्थ बूस्ट 2। आर्म पीस में हेल्थ बूस्ट 2 यहाँ पर मिल रहा है मेरे को, जो कि है इनगट बेटा। लेकिन लेगियाना में ईवेड विंडो मिल रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगा। अगर वेस्ट पीस पे कहीं पर भी हेल्थ बूस्ट 2 मिलता है तो वो मैं लेना चाहूँगा, लेकिन हेल्थ बूस्ट 2 बियोटोडस के इस पे ही सिर्फ है। यार कोई दिक्कत नहीं, यह आर्मर अभी के लिए तो सही लग रहा है। तो यार चलो एंशिएंट फॉरेस्ट की एनोमली वगैरह चेक करने के लिए चलते हैं, और एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ कि नया इंसेक्ट ग्लेव बनाने के लिए और कितना मटेरियल बाकी है। अपग्रेड इक्विपमेंट, इंसेक्ट ग्लेव मुझे चाहिए, पुके पुके शार्ड 3, ओके, और सबसे डटूरा स्टॉर्म 3 के लिए, डटूरा स्टॉर्म 2 के लिए मुझे चाहिए रैथियन सर स्पाइक, जो कि मुझे मिलेगा मास्टर रैंक के रैथियन से, और मॉन्स्टर स्लॉग बोन, जो कि मुझे लेगियाना या फिर बेरियोथ से मिल जाएगा। तो यार पॉइजन 450 है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो। खैर इंसेक्ट ग्लेव का बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट की एनोमली में।
और एनोमली का ही अगर बात है तो सबसे पहले तो मैं मील करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता अगर एनोमली है और एक्सपेडिशन का मिशन है तो मुझे मील करने को मिलेगा। और अगर बिना हेल्थ के किसी मॉन्स्टर से मैं भिड़ा तो पहली बार में ख़त्म। तो यार चल लेते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट पे। आर्मर का डिज़ाइन भी देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस बार थोड़ा सूट भी कर रहा है, वो अलग चीज़ है कि ही सूट बूट पहनकर कोई भी हंट पे नहीं जाएगा, लेकिन डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन सेंस ही मैं देख रहा हूँ। If an elder dragon that powerful is out here, there's going to be some evidence of it. Some sort of change. Like monsters we've never seen before coming out of the woodwork. Monsters never seen before coming out of the woodwork. इसका ये मतलब तो नहीं कि एंशिएंट फॉरेस्ट में भी नए मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं। बग ट्रैपर्स, ये बेसिकली जो छोटे छोटे पैलिकॉज होते हैं जो हर मैप में मिलते हैं। तो यार ये देख सकते हो, बर्फ पड़ी हुई है। वेलकाना आइस क्रिस्टल्स। एंजनाथ का फुटप्रिंट मिला है, और ये कुछ तो भी अलग सा भी मॉन्स्टर का फुटप्रिंट मिला है। अभी क्या सोच रही है ये वो नहीं बताएगी, बट खैर। ये राथियन, राथियन का नहीं है ये। और अगर राथियन का नहीं है तो मुझे नहीं पता किसके गैसेस हो सकते हैं ये। राथलॉस के भी नहीं है। सिंगल कैश, ओके, ये नया है। डबल कैश यूजुअली डियाब्लोस के रहते हैं। तो यहां पर है फर्स्ट वाइवेरियन। फर्स्ट वाइवेरियन बोलता है, इट्स हियर हियर सिंस द बिगिनिंग, स्लीपिंग अवेक शॉर्ट लॉन्ग, स्लीप्स देयर अवेकेंस हियर ऑलवेज रिपीटिंग, देन अवेक देयर स्लीप हियर अवेक बोथ हियर एंड देयर इंटेंसिफाई। बहुत ही अजीब से डायलॉग्स थे इसके। कुछ तो भी बड़ा आने वाला है और मुझे नहीं पता क्या। और हैंडलर भी इतनी स्लो स्लो चल रही है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या है। ओके, अब होने वाला है नया मॉन्स्टर का इंट्रो। फ्रेश वुंड है लग रहा है। अरे भाई, नारगाकुगा रैथलॉस आ चुका है अपनी हेल्प के लिए। टर्फ वॉर, टर्फ वॉर। तो यार इसका डिजाइन बैरियोथ से तो मिलता जुलता है, डिजाइन तो नहीं बोलूंगा, इसका शेप जो है बैरियोथ से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैरियोथ से भी बहुत ज्यादा तेज है ये। अनार्गाकुगा,
We're the first ones to spot one in the new world. Let's head back and share the news. The air feels charged. My hair's standing on end. वेलकाना रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन एक नया मॉन्स्टर जरूर मिल चुका है. You found what looked to be traces from Velkana in the ancient forest. Then you spotted a Naga Kuga, a species that has never been seen in the new world. And to add on to that, we just received a report that a Glavinus was spotted in the Wildspire Waste. Glavinus? What do you make of this situation? Huh? Me? Well, the last time we saw sudden changes in the environment, it was because of the Elder Crossing, right? I think it's likely that some kind of external factor is causing the changes this time, too. And that's what must have led to the Naga Kuga and Glavinus going berserk. And what do you think? I agree with the Chief. I think we'll be seeing a lot more species come out of hiding soon, just like the Naga Kuga did. You've got good intuition, the both of you. Now then. We need to look further into these newly active monsters and search for more traces of Velkana. I want you to investigate the Naga Kuga and Glavinus. तो यार अभी Velkana tracks भी आ चुके हैं और Naga Kuga को मारना है. तो ठीक है, नया चैलेंज है, नया चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे. मैनेज आइटम्स सब कुछ मैं कर लेता हूँ रीस्टॉक. देखता हूँ बोटानिकल रिसर्च वाले के पास कुछ है कि नहीं. हनी है, पैराश्रूम है, थंडरबग है, नाइस, टेक ऑल. मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि स्लीप हर्ब उगाने के लिए अभी ऑप्शन है, नाइस. तो मैं पैराश्रूम की जगह अभी स्लीप हर्ब थोड़े उगाऊंगा ताकि कमी ना हो किसी चीज़ की. और एक और चीज़ है, मैं चाहूँ तो इनको फर्टिलाइज भी कर सकता हूँ और फर्टिलाइजर से देख सकते हो थंडरबग में +2 और हनी में +2 आ रहा है. फर्टिलाइजर से सिर्फ स्लीप हर में ही +2 आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, समनर जेली ही यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें दो चीज़ें ज़्यादा तेज़ हो रही है. तो चलो यार, एक दो हंट के बाद इसको आकर देखते हैं, लेकिन अभी मुझे चलना है Naga Kuga के हंट पे. ट्रैप टूल्स कुछ खरीद लेता हूँ मैं, 11 ट्रैप टूल्स बहुत रहेंगे. तो यार चल लेते हैं Naga Kuga की बजाने एंशिएंट फॉरेस्ट. शायद अभी जाना सही नहीं रहेगा. पोस्ट एवर प्रेजेंट शैडो और इसको मैं कर दूंगा सेलेक्ट. और यार अगर कटसीन में तुमने नोटिस किया होगा, Naga Kuga का डिज़ाइन ऐसा बना है कि उसके जो पंख है उसमें कुछ ब्लेड्स टाइप की चीज़ें हैं. तो जितना मेरा शक है, अगर मैं उन पंखों को काटूं तो शायद मेरे को कोई नया वेपन अनलॉक मिले, या फिर आई मीन ऑफ कोर्स नया वेपन तो मिलेगा ही, लेकिन नए वेपन के लिए जो मटेरियल्स है वो कम हो जाएंगे. तो यार खाना खा चुका हूँ मैं और चल लेते हैं Naga Kuga की तलाश पे. पहला हिंट, और ये Velkana का है, Naga Kuga का नहीं. और शायद यहां पर Naga Kuga के ट्रैक्स मिलने वाले हैं. अरे बाप रे, ये अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पर शिकारी कौन है और शिकार कौन है. ये तो काफी तेज लग रहा है. बहुत ही बुरा अटैक था वो. तो इसके पूंछ में देख सकते हो कुछ तो भी क्विल्स टाइप के लगे हुए हैं. खुद को हील कर लेता हूँ और अगर मैं इसकी पूंछ काट दूँ तो शायद उस क्विल का डैमेज कम हो जाएगा.
Foresight. Foresight. Combo complete. Foresight. Combo complete. Nice. Foresight. Ah. Foresight. फिर से कॉम्बो कंप्लीट. होपफुली बहुत तेज है ये, बहुत तेज है. खैर कोई दिक्कत नहीं. अरे बाप रे. वो साइड बढ़िया. थोड़ा सा गैप और हेल्म ब्रेकर. नाइस. Foresight. Combo complete. Nice. कर देता हूं इसको tenderize में. दो तीन. wall bang. Nice. अभी इसके पूछ में मैं करूंगा वार. बढ़िया अटैक. फोर साइड. पूंछ का अटैक था वो, और मुझे लगता है कि एक बार वो पूंछ से अटैक करे तो उसका पूंछ थोड़ा सा अटक जाता है, और वही बेस्ट टाइम रहता है. फोर साइड. बच गया मैं. अरे बाप रे, पूंछ अटक गई. नाइस टाइमिंग. लेकिन शार्पनेस कम हो चुकी है. थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और कर देता हूं शार्पन. नाइस. कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हंट है ये. ओहो नाइस. एक बार प्लीज गेम प्लीज. हेल्म ब्रेकर. नहीं 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 बढ़िया. एक बार. नहीं नहीं नहीं. बहुत ही तेज जंप था वो, और इसका एग्रो अभी थोड़ा खत्म हो चुका है. आंखों पे बत्ती चलना बंद हो गई. तो एक वॉल बैंक तो दे ही सकता हूं मैं इसको. पासा नारगकुगा. एक दो वॉल बैंक. नाइस. अब इसके पूंछ पे पड़ेगा हेल्म ब्रेकर. नाइस. कॉम्बो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. पूछ कट गई. नाइस. पूछ कट गई. ओह बैरियोथ वाला अटैक था वो, मैंने आते हुए देखा नहीं. फोरसाइट. कॉम्बो कंप्लीट. अच्छा डॉज था. क्या सीरीज थे वो डॉज के. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बढ़िया डॉज. मुश्किल है. लग जा. सर तोड़ चुका हूं मैं इसका. नाइस. नारगकुगा जा रहा है अभी डीप फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन इससे पहले मैं इसका टेल हार्वेस्ट कर लेता हूं. मुझे नहीं लगा था मैं इतनी जल्दी इसकी पूंछ तोड़ पाऊंगा.
बट खैर मजा आ गया. नारगा कुगा टेल स्पियर, नाइस. और वेलकाना के ट्रैक्स भी है यहाँ पे. तो जाने से पहले कर लेता हूँ मैं खुद को हील. जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले एपिसोड में वाइटैलिटी प्लांट्स जो है, वाइटैलिटी प्लांट्स को तोड़ने पर हीलिंग मिल जाती है. तो बढ़िया हीलिंग मिली है इस बार. एंजनाथ के फुटप्रिंट्स, वेलकाना के और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे. और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स, नाइस. पास में ही है नारगा कुगा. वेलकाना दिख जाएगी क्या यहाँ पे, इतने सारे फुटप्रिंट्स अगर मिल रहे हैं तो. तो यार एग्रो नहीं लग रहा ये, तो कोशिश करूंगा इसको एक और वॉल बैंक देने की. पासा, बुरी टाइमिंग पे. एक और नाइस वॉल बैंक. अब इसका ये भी पंख तोड़ना है मुझे. अटक गया, अटक गया. अरे अरे नहीं, फिर से नहीं. एक बार और. नाइस, फोरसाइट. बहुत बुरा फंसा मैं वहां पे. बिल्ले जल्दी जल्दी. फोरसाइट. अरे यार फिर से नहीं लगा. कर देता हूं टेंडराइज में. बढ़िया डॉज था वो. फोरसाइट. फोरसाइट, नाइस. कॉम्बो कंप्लीट. हेल्म ब्रेकर की कोशिश. अरे नहीं, फोरसाइट. बढ़िया लाइफ स्पिरिट स्लैश दोस्तों, बढ़िया लाइफ स्पिरिट स्लैश. फिर से इसका एग्रो खत्म हो चुका है, तो इसको एक बार मैं नाइस. टाइम है थोड़ा सा, शार्पन कर लेता हूं और फिर मारूंगा मैं इसको. किस्मत अच्छी थी, पोजीशनिंग अच्छी थी. इतना खूंखार क्यों बन चुका है अभी ये. बहुत ही सही टाइम पे मैंने बहुत ही सही टाइम पे फोरसाइट किया मैंने, तो उसके रोर से भी बच गया. नाइस. तो यार अभी आगे चलते हैं, होपफुली वेलकाना भी देखने को मिल जाए. और ये देख रहे हो नारगा कुगा कमजोर हो चुका है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कैंप पे जो कि पास में ही है. और स्लीप हर्ब
यहाँ पर मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। देखता हूँ मेरे पास अभी कुछ है कि नहीं, तो कैंप में ही चल लेते हैं पहले। यही है कैंप एकदम सामने ही, और कैंप में जाके मैं रीस्टॉक कर लूँगा मेरे पास जितने भी क्या कहते हैं ट्रैप्स वगैरह है। तो ट्रैप मिल चुका है, लेकिन स्लीप हर्ब की ज़रूरत है, और ये स्लीप हर्ब कहाँ मिलेगा अभी? मैप में देखता हूँ मैं, होपफुली जो स्लीप हर्ब है उसका कलर जो है वो यूजुअली थोड़ा सा लाइट ग्रीन रहता है, जैसे कि हर्ब का जो है पूरा कंप्लीट ग्रीन रहता है, स्लीप हर्ब थोड़ा सा लाइट ग्रीन रहता है, लेकिन चांसेस कम है यहाँ पर मिलने के एंशिएंट फॉरेस्ट पे। तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पर मिल नहीं रहा वैसे। स्लीपर भी यहाँ पर है तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। स्लीपर देख सकते हो यार नारगा कूगा के बहुत ही करीब है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास पैराशरूम है कि नहीं आइटम बॉक्स पे। पैराशरूम 10 है मेरे पास, तो स्लीपर आराम से क्राफ्ट हो सकते हैं, और इसके बाद स्लीप हर्ब की कमी पड़ेगी नहीं, क्योंकि बोटैनिस्ट के पास मैंने क्राफ्टिंग पे लगा दिया स्लीप हर्ब वगैरह। इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्लीप हर्ब जहाँ पर है वो नारगोकुका के रेस्टिंग प्लेस के बहुत ही पास है, तो वो और भी अच्छी बात है। स्लीप हर्ब मिल चुका है यार। स्लीपर को मैं रिप्लेस किससे करूँ? फ्लैशबैक से ही कर लेता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, और एक बार आइटम बॉक्स से कुछ चीज़ें मेरे को निकालनी पड़ेगी क्योंकि बाकी की चीज़ों के लिए मुझे वो ज़रूरी है। स्मोक नट को डिस्कार्ड कर सकता हूँ मैं, डिस्कार्ड ऑल, और मैं जाऊँगा क्राफ्टिंग पे। रैंक बॉम्ब 2 क्राफ्ट हो चुके हैं, नाइस। अभी चलते हैं नारगा कुकुआ के पास। ये देख सकते हो कैसे गधे बेचकर सो रहा है, इसको नहीं पता इसके साथ क्या क्या खिलवाड़ होने वाला है। तो चलो यार, डल चुके हैं 2 ट्रैंक बॉम्ब्स, लग चुका है ट्रैप, और नारगा कुकुआ कैप्चर्ड। तो यार बहुत ही मज़ेदार फाइट थी इसकी, बहुत ही तेज़ तेज़ मूव्स थे, लेकिन तेज़ मूव्स होने का ये फ़ायदा है कि उससे तेज़ी से डॉच किया जा सकता है, हर बार फोरसाइट की जा सकती है उसको, जितना तेज़ मूव हो उतना ही तेज़ फोरसाइट रहता है। एंटिसिपेशन जब मूव्स की कम होती है तब उस हिसाब से फोरसाइट भी क्या कहते हैं उतनी ही जल्दी लगा सकते हैं, और गारंटी रहती है कि फोरसाइट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। जितनी तेज फोरसाइट लगेगी उतनी जल्दी स्पिरिट गेज बढ़ेगा, और उतनी जल्दी हेल्म ब्रेकर दे पाएंगे, बड़ा वाला डैमेज दे पाएंगे। यार बहुत ही मज़ेदार क्वेस्ट था ये, और नारगा कुकुआ के डिज़ाइन पे भी फोकस एक बार करते हैं क्योंकि अभी इसको पकड़ लिया है तो ये पास में ही है। तो यार देख सकते हो नारगा कुकुआ को जो डिज़ाइन है उसके पंखों को अगर देखोगे तो एकदम ब्लेड्स की तरह बने हैं, एग्जोस्केलेटन टाइप का है इसका, या फिर कह सकते हो एक बड़ा सा नाखून है जो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस ब्लेड को वो यूज़ करता है मोस्टली हंटिंग के लिए और डैमेज पहुंचाने के लिए। जो फेस है उसका वो एक चमगादड़ और एक बिल्ले से इंस्पायर्ड है, चमगादड़ और बिल्लिया बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है। टेल जो है देख ही सकते हो, जो टेल अभी कटा हुआ है उसको क्या कहते हैं, स्पाइकी टेल है कह सकते हो, पॉर्क्यूपाइन वगैरह से इंस्पायर्ड है। और पूरा शरीर जो है वो एकदम बहुत अच्छे से अडेप्टेड है किसी भी फॉरेस्ट वगैरह में कैमोफ्लॉज होने के लिए, एकदम जेट ब्लैक फर है इसके। तो यार वो था नारगा कुकुआ के बारे में कुछ चीज़ें, बात कर लेते एक बार स्मार्ट बायोलॉजिस्ट से, देखते उनका क्या कहना है। Good to see you. Splendid, the fifth fleet. Just who I was looking for. At present, we go-getters are studying the Baroth's behavior. That's right. We are ready to get down in the mud with it, if that's what it takes to learn about its habitat. Good luck. The quest is called Landing the Landslide Wyvern. Any assistance you could give would be most appreciated.
लो रैंकिंग क्वेस्ट है, बाद में कर लेंगे। खैर अभी चलते हैं अपने इकोलॉजिस्ट के पास, बोटानिस्ट के पास। ज़्यादा हार्वेस्ट बचा नहीं है, लेकिन स्लीप हर्ब देख सकते हो आ चुका है। टेक ऑल कर लेता हूँ और तब तक वो और भी ज़्यादा चीज़ें बनाता रहेगा। एल्डर मेल्डर के पास भी कुछ नई चीज़ें हैं बताने के लिए, तो उनसे सुन लेते हैं। Oh, hey there. Well, this is quite a find. Do you know what it is? It's called a stream stone, but oh, this is incredible, simply fascinating. I sense an indescribable power inside it. I might be able to use it in my welding. If you are feeling a little brave, why don't you try tossing it into the pot with one of your decorations? Just keep in mind that I don't have the faintest idea what kind of decoration will pop out in the end, so don't be disappointed. तो यार basically RNG वाली बात है ये, random number generator. तो इस पर ज़्यादा focus करूँगा नहीं मैं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा stones वगैरह होंगे सिर्फ तभी ही इसके ऊपर focus करना है मुझे. और एक बार स्मिथि के पास जाके देखते हैं नारगा को होगा ऐसे कौन से नए आइटम्स क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं। फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर, तो यार देखो नारगा कुगा अनलॉक हो चुका है। नारगा कुगा के पास है पीक परफॉर्मेंस, जो सिर्फ तभी काम आता है जब हेल्थ फुल हो, तो अपनी हेल्थ तो वैसे ही पिटते रहते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके चेस्ट पीस में ईवेड विंडो है और मुझे गजाऊ के थिक हाइड चाहिए, मतलब मास्टर रैंक के गजाऊ को मारना है ये अनलॉक करने के लिए। तो यार अब तो यही अनलॉक करना है मुझे, लेकिन अटैक बूस्ट में लूज़ कर दूंगा तो शायद ये सही आइडिया ना हो। स्टैमिना सर्च है उसके आर्म्स के पीसेस पे, जो कि इंसेप्ट ग्लेव के लिए बहुत काम आएगा। और ईवेड विंडो और स्टैमिना सर्च है उसके वेस्ट पीसेस पे। तो नारगाकू को ऐसा लग रहा है कि इसके पास ईवेड विंडो का पूरा ही खजाना पड़ा हुआ है। तो फिर पार्ट ब्रेकर में लूज नहीं करना चाहता, वेस्ट पीस में देखता हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास बियोटोडस का वेस्ट पीस है, इसका मतलब मुझे दो हेल्थ बूस्ट मिल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन स्टैमिना सर्च मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखता हूँ आर्म पीस मेरे पास किसका है। आर पीस में ईवेड विंडो 1 है, तो उसको भी शायद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। स्टैमिना सर्च ईवेड विंडो, अगर मेरे पास यहाँ पर ईवेड विंडो 3 है और यार अब मुझे लग रहा है कि कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। अटैक बूस्ट 3 देखता हूँ, अटैक बूस्ट 3 कितना ज़्यादा पोटेंट है। इसमें मेरे को मिल रहा है अटैक +9, तो यार +9 इतना ज़्यादा अटैक बूस्ट मेरे को लगता नहीं है कि मैं इसको एकदम ही ट्रेड कर दूं। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं इसके लिए मैं क्या क्या और ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये ट्रेड ऑफ करता हूँ तो पैलिको रैली कम हो जाएगा, ईवेड विंडो लेकिन कम्प्लीट हो जाएगा। और अगर ईवेड विंडो कम्प्लीट होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो मेरे पास 2 लेवल ईवेड विंडो यहाँ से मिल रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से स्टैमिना सर्ज ले लूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। हेल्थ बूस्ट मैं देखता हूँ किसी भी हेलमेट में लेवल 2 हेल्थ बूस्ट होगा कि नहीं। स्किल्स में जाएंगे, हेल्थ बूस्ट में जाएंगे, देखते हैं। हेलमेट लेवल 2 हेल्थ बूस्ट मुझे मिल रहा है बोन वाले हेलमेट पे, और बोन बीटा में लेवल 1 हेल्थ बूस्ट मिल रहा है। ओके, तो यार एक ही तरीका है, बोन क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। इक्विप ना हो अभी तो इक्विप नहीं कर रहा मेरे को, लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 हेल्थ बूस्ट लगा लूँ
तो मैं यहाँ से एक इवेड विंडो उठा सकता हूँ जिसके लिए मुझे चाहिए गजाऊ थिक हाइड, और तो और मैं उसका वेस्ट पीस भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। आई मीन चेस्ट, हैंड्स और वेस्ट, अगर मैं नारगा कुगा का क्राफ्ट कर लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा पोटेंट चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले यार चलते हैं चेस्ट पीस क्राफ्ट करने के लिए। तो इसके लिए मुझे गजाऊ को थिकाइड चाहिए, तो यार वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे चलते हैं, देखते हैं अपने पास मास्टर रैंक में गजाऊस को मारने के लिए कुछ है कि नहीं। ऑप्शनल में जाऊंगा, ऑप्शनल इसलिए मैं चेक कर रहा हूं ताकि अगर गजाऊ को मारने के लिए कुछ हो तो वो उसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। खैर कुछ है नहीं, तो चलते वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। मास्टर रैंक वाइल्ड स्पायर वेस्ट, और आई गेस कैंप 15 सही रहेगा कि सबसे क्लोजेस्ट है वो गजाउज वगैरह के पास पे। तो अपने को सिर्फ 3 थिक हाइट चाहिए गजाउज के, और अगर वो मिल गया तो चेस्ट पीस तैयार है। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है लोड होने में, ऐसा लगता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है वाइल्ड स्पायर वेस्ट के अंदर। गलत एरिया पे लैंड किया है मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से चेंज कर लेंगे। तो यार मुझे चाहिए कि यहाँ पर ईस्टर्न कैंप 11 में जाना है मेरे को, और वहीं पर सबसे क्लोजेस्ट रेंज रहेगा मेरा कि मैं जो ज्यूरा टोटस के एरिया तक पहुँच सकूँ, और ज्यूरा टोटस के एरिया के पास ही गजाउस वगैरह मिल जाते हैं। नाइस, ब्लू ट्रेल दिखी मेरे को, और वेल्काना यहां पर भी है, बहुत सही। एक बर्फ वाला वाइवर्न यहां पर क्या कर रहा है वो मेरे सोच के एकदम बाहर है, बट खैर सबसे पहले मैं यहां के गजा उसको खत्म करूंगा। तो वेल्काना ट्रैक्स अगर मिल रहे हैं तो उसको भी कलेक्ट करता रहूंगा। अरे भाग क्यों रहा है भाई, स्लीपर भी उठा लिए हैं। गजाऊ स्टील विस्कर, ओके थिक हाइड नहीं मिला अभी तक, फिर से स्टील विस्कर मिला है अपने को। वेल्काना का एक और फुटप्रिंट, अब चलते हैं ज्यूरा टोटस के एरिया के पास, देखते हैं वहाँ के गजा उसको अपने पास देने के लिए क्या है। एक और फुटप्रिंट आसपास है, That should be plenty of data on Velcana. Now we can focus on investigating these irregularities. काफी जल्दी वेल्काना के फुटप्रिंट्स अपने को मिल चुके हैं, नाइस। तो यार ज्यूरा टोटस भी यहाँ पर मौजूद है, तो कोशिश करूंगा कि उसकी मौजूदगी में ही मैं इन मछलियों को ख़त्म कर सकूं। सब पैरालाइज हो चुके हैं, नाइस। अभी तक ज्यूरा टोटस कुछ कर नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा लग रहा है वो मेरे को नोटिस कर चुका है, बहुत सही। गजाऊ थिक हाइड मिल चुका है पहला, उम्मीद करता हूं बिल्ला तब तक उसको संभाल लेगा। फिर से स्टील गजाऊ विस्कर, अरे बाप रे, स्टील
सॉरी जूरा टोटस, बस तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। थिक हाइड एक और मिल चुका है यार, बहुत ही अच्छे, और बस एक और थिक हाइड चाहिए मेरे को तो ये मैं क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। तो पीछे ही पड़ गया यार, तो इसको इग्नोर करता हूँ मैं। दो थिक हाइड मिल चुके हैं, बैनबेरो यहाँ पर है और यहाँ के गजाउस फिर से रिस्पॉन हो चुके हैं। नाइस, गजाउस खत्म। थिक हाइड ओके, विस्कर मिला है, थिक हाइड मिल जाओ अभी। ओके, तीन तीन गजाउस थिक हाइड, किस्मत अच्छी है, कलेक्ट हो चुके हैं। तो यार वापस चलते हैं एस्टेरा पे, वर्कशॉप में ही डायरेक्ट निकल लेते हैं। और एस्टेरा पहुंचते ही तैयार होगा अपने लिए नारगा कोगा का आर्मर चेस्ट पीस। नाइस, हेलमेट में अपने को भले ही हेल्थ बूस्ट 2 मिल रहा है लेकिन उसका जो डिफेंस है वो बहुत ही कम है। आर्मर पे जाऊंगा मैं और देख सकते हो नारगाकू का बीटा तैयार है, इसको कर लेगा मैं क्राफ्ट और इसको मैं कर लूँगा इक्विप। नाइस, ईविड विंडो 2 है यहाँ पे मेरे पास, और प्राइज्ड बेल्ट ये पता नहीं किसका रिसोर्स है। तो यार देख सकते हो नारगाकुगा को कैप्चर हम अपन ने किया था लेकिन चेस्ट पीस क्राफ्ट करने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो अभी ऐसा लगता है कि मुझे क्राफ्ट करना चाहिए सिर्फ हैंड पीस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट पीस में जो हेल्थ बूस्ट मेरे को मिला था, वो हेल्थ बूस्ट रहने देता हूँ। और क्योंकि मेरे को यहाँ पर ईविड विंडो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर स्टैमिना सर्ज डालता हूँ तो मैं डेकोरेशन से अपना स्टैमिना और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एक ही लेवल चाहिए मुझे स्टैमिना सर्ज के लिए। और अगर तीन पीस नारगाकुगा मेरे पास हो तो मेरे को मिलता है उसका जो पैसिव स्किल है नारगाकुगा का, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, रेजर शार्प। इसका मतलब शार्पनेस लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब शार्पनेस बहुत ही धीरे धीरे लूज होएगा। अब मैं सोच में पड़ चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्किल्स है यहाँ पे, पार्ट ब्रेकर को मैं छोड़ नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए दो पीस लेके चलते हैं। अगर चलते टाइम पे आगे की तरफ मेरे पास कोई एक ऐसा वेस्ट अनलॉक होता है जिसमें हेल्थ बूस्ट 2 हो तो नारगाकुगा का हेलमेट अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। तो यार वही करते हैं, अभी मेरे को चाहिए प्राइज्ड बेल्ट, और प्राइज्ड बेल्ट के लिए मुझे चाहिए कुछ हिरण वगैरह को मारना, और हिरण वगैरह मारने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कोरल हाइलैंड्स पे। तो यार आज का थंबनेल जो है इस वीडियो का बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एक मॉन्स्टर को एक बार मारने के बाद उसके दो आर्मर मैंने क्राफ्ट किए। तो लक के बारे में शायद पिछले एपिसोड पे मैंने बताया था कि पुके पुके का जो वेपन बना था टाइम लक कितना कम साथ दिया था, और अभी सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के बाद लक कितना ज़्यादा साथ दे रहा है। ओल्ड म्यूकस, हाँ ये तो कुछ तो भी नया लग रहा है, इस एरिया पे म्यूकस किसका हो सकता है। प्राइज्ड बेल्ट 1 मिल चुका है मुझे, कुछ तो भी नया है यहाँ पे। कुछ और हिरण ढूंढने मेरे को, एक और मिल चुका है, दो शिकार मिल चुके हैं। अरे यार भाग गया ये, खैर कोई दिक्कत नहीं।
केल्वी हॉर्न भी मिल चुका है मुझे, नाइस। वाइट लिवर, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है। और भी केल्वीज ढूंढने मेरे को, और भी, ओके नाइस। नहीं 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 नहीं, भागना नहीं, भाग प्लीज प्लीज। अरे चलो, एक मर चुका है, दूसरे को भी मार ही लेता हूँ, नाइस। अच्छा हुआ मेरे पास पैरालिसिस वेपन था, नहीं तो कब भाग जाए पता भी नहीं चलेगा। वाइट लिवर यार, फिर से मेरे को केल्वी पेल्ट चाहिए। चलो एक और प्राइस पेल्ट मिल चुका है, कुछ और अभी हिरन ढूंढने मेरे को। चलो एक और मिल गया, नाइस। तो दो प्राइस बेल्ट है अभी फिलहाल के लिए मेरे पास, और ये तीसरा आ चुका है, नाइस। और अभी शायद सिर्फ एक और प्राइस बेल्ट चाहिए मेरे को, सिर्फ एक और हिरण चाहिए, और उस हिरण से प्राइस बेल्ट चाहिए। यहाँ के लोकल इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ये कोरल पुके पुके है पक्के से, तो चलो अच्छा है, जो एटलीस्ट पता चला मेरे को कि क्या है क्या नहीं। चलो यार एक और हिरण आ चुका है, पहली बार में ही हो चुका है स्टन। केल्वी हॉर्न मिल चुका है यहाँ पे, होपफुली प्राइस बेल्ट मिल जाए। प्राइस बेल्ट, नाइस, चार प्राइस बेल्ट मिल चुके हैं मेरे को। कहीं तो भी मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। अरे बाप रे, ना ना, मेरे को नहीं लगता मैं इस सभी पंगा लेने के लायक हूँ, मैं भाग लूंगा यहाँ पे। ओके, उसने मुझे देख लिया है, मैं छुप भी नहीं सकता कहीं पे भी। छोड़ दे भाई। ओके, तो ये म्यूकस इसी बंदे का था। ये कैसा जंप है भाई, डायनासोर इतने ऊपर जंप कैसे? नहीं गलत है ये, तो फुलगर एंजनाथ के फुटप्रिंट्स थे वो, रियलाइज कर लेना चाहिए था। खैर जो भी है, कहीं पर तो भी मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने के लिए। मिनी मैप में ही देख सकते हो तुम, तो जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वहाँ पर यूजुअली कुछ नए क्वेस्ट वगैरह रहते हैं। यहाँ पर है, पाइसिन रिसर्चर है। खैर छोड़ो, इग्नोर कर सकते हैं। चलो यार, लेकिन जिस चीज़ के लिए आया था वो मिल चुका है, तो वापस चलते एक्सपेडिशन से। एक ही बार में दो खतरनाक खतरनाक चीजें मिली अपने को, नाइस। कैंटीन में चला गया मैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, कैंटीन से नीचे उतर जाऊंगा। और स्मिथी के पास अपने लिए तैयार होंगे फ्रेश ग्लव्स, फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, और ये देख सकते हो यार नारगाकुगा के ग्लव्स तैयार है। स्टैमिना सर्च मिल जाएगा जिससे कि मैं इंसेक्ट ग्लेव यूज करने के बहुत ज्यादा केपेबल रहूंगा, नाइस। इक्विप नाउ, यस। और नेक्स्ट के लिए अपने को चाहिए नारगाकुगा मेंटल, जो मिलना मुश्किल है। और ओके, पैरों को मैं ले सकता हूँ जिससे ईविड विंडो तो बढ़ जाएगा लेकिन पार्ट ब्रेक डैमेज कम हो जाएगा।
लेकिन देखेंगे पार्ट ब्रेकर का, अगर मेरे को क्या कहते हैं अगर पार्ट ब्रेकर का कोई दूसरा पार्ट मिल सके तो सर्च कर लेते हैं स्किल्स में जा करके। पार्ट ब्रेकर हेलमेट में पार्ट ब्रेकर मिल जाए तो और भी अच्छा है। रोज़ ए पे मुझे मिल रहा है, नहीं रोज़ ए पे नहीं मिल रहा, बोन ए और बोन बीटा में मेरे को पार्ट ब्रेकर मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ वन पॉइंट ऑफ पार्ट ब्रेकर है जो मेरे लिए कुछ खास है नहीं वैसे तो। लेवल टू पार्ट ब्रेकर मुझे मिल नहीं रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेवल वन पार्ट ब्रेकर भी अच्छा है, मुझे सिर्फ पार्ट ब्रेकर चाहिए अपने लिए। तो यार लास्ट के लिए चाहिए नारगाकू का ब्लैक फर पैंट्स के लिए, जिससे नारगाकू का शार्पनेस वाला भी अपने को क्या कहते हैं शार्पनेस वाला भी पैसिव स्किल मिल जाएगा। तो यार देख सकते हो यार अपनी ड्रिप कितनी ज़्यादा अभी इम्प्रूव हो चुकी है। अभी अपने को बचता है स्कॉर्चिंग ब्लेड ख़त्म करने के लिए, लेकिन यार उस एपिसोड के लिए, उस हंट के लिए तुमको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया हो, एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आज के, और कमेंट सेक्शन में बताओ नारगाकुगा का हंट तुम्हें कैसा लगा। बहुत ही फास्ट हंट था, और आज का लक बेस जो मुझे मिला वो तुमको कैसा लगा, क्योंकि पिछले टाइम पुके पुके के मुकाबले आज का लक बहुत अच्छा था। तो यार आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं तुमसे लेता हूँ अलविदा, और मैं तुम्हें मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर।